सपने में गायत्री मंत्र को लिखा हुआ देखना। अगर आप सपने में किसी दीवार पर गायत्री मंत्र को लिखा हुआ देखते हैं, किसी बुक पर, किसी कागज पर, पत्थर पर या लकड़ी पर या जमीन पर या रेत में या कहीं और आप गायत्री मंत्र को लिखा हुआ देखते हैं या लिखते हुए उभरते हुए देखते हैं, तो यह सपना बहुत शुभ सपना माना जाता है। यह सपना आपके लिए सकारात्मक सपना होगा। या आप सपने में देखते हैं गायत्री मंत्र को कि किसी पूजा स्थल में, घर में रखा हुआ मंदिर में या किसी अन्य पूजा के स्थान पर अगर गायत्री मंत्र लिखा हुआ दिखता है तो भी यह सपना शुभ सपना माना जाता है। सपने में बच्चे के हाथ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ देखना। सपने में आप देखते हैं कि किसी कपड़े पर, जिसको आप पहने हैं या खरीदने जा रहे हैं, उस कपड़े पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, तो यह सपना शुभ माना जाता है। या आप सपने में देखते हैं कि गायत्री मंत्र लिखते हुए उभर रहा है, तो भी यह सपना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस सपने का अर्थ क्या होता है। यह दुर्लभ सपना माना गया है। अगर आप सपने में गायत्री मंत्र लिखा हुआ देखते हैं तो यह सपना बहुत शुभ सपना, सकारात्मक सपना माना गया है। यह सपना आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध करने का संकेत देता है या किसी कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। आप अपने जीवन से निराशा से आशा की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत मेहनत के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिलता है, तब वह समय आ चुका है, आपके लिए अनुकूल समय आ चुका है जब आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सपना आपके आत्मबल में वृद्धि करता है, आपके लिए नई आशा की किरण लाता है। आपके जीवन की विपत्तियों का नाश धीरे धीरे होने वाला है। अगर लोगों का सहयोग नहीं मिलता है आपको, लोगों से प्यार नहीं मिलता है आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, मान सम्मान नहीं मिलता है आपको, तो वह सब शुरू हो जाएगा। यह सपना आपके आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का संकेत देता है, आपकी काबिलियत को दर्शाता है। आपके जीवन में आशा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य में सफलता मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सपना बहुत शुभ सपना माना गया है। अगर आप इस तरह के सपने देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विकास आने वाले भविष्य में सुनिश्चित है। यह बहुत अच्छा सपना माना गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।